Subscribe and press the bell icon on the YouTube app. Never miss the update. Join entire knowledge world family. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अपने देश को हम क्या कहकर पुकारते हैं? अपने देश को हम भारत माता कहकर पुकारते हैं। मातृभूमि का क्या अर्थ है? मातृभूमि का अर्थ है अपना देश। शिवाजी ने इस राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी ने हिंदवी राज्य की स्थापना की थी। विदेशी यहाँ किस उद्देश्य से आए थे? विदेशी यहाँ देश को लूटने तथा इस पर शासन करने के उद्देश्य से आए थे। विदेशियों ने भारत में आकर क्या किया? विदेशियों ने भारत में आकर लूट खसोट नरसंहार तथा भीषण अत्याचार किए। रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ इसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, आप इसको देखकर भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। हमारी मातृभूमि के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया गया? हमारी मातृभूमि के लिए रत्न गर्भा भूमि, हमारी कर्म भूमि, स्वर्ग भूमि, पुण्य भूमि और धर्म भूमि के विशेषणों का प्रयोग किया गया। अपने देश के भौगोलिक विस्तार का उल्लेख कीजिए। हमारा देश बर्फीले हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के सागर तक तथा द्वारका से पूर्वांचल की नागा पहाड़ियों तक फैला हुआ है। अपने देश की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। हमारे देश की 4 विशेषताएं हैं। उत्तर में प्रहरी के समान हिमालय पर्वत इसकी रक्षा करता है। यहाँ की 6 ऋतुएं हरियाली तथा वातावरण को विविधता प्रदान करते हैं। वनस्पति फल फूल से लहलहाते खेत बगीचे भारत माता के श्रृंगार हैं। अनेक रीति रिवाज परंपराएं भाषाएं हमारे देश की विविधता में एकता के प्रतीक हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए। युद्ध हुआ, आंदोलन हुए, बलिदान हुए, तब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ज्ञान के भंडार क्या है? किन ग्रंथों को ज्ञान का भंडार कहा गया है? हमारे देश के श्रेष्ठ ग्रंथ ज्ञान के भंडार है। And subscribe for more videos and information.